हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल, जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल टॉप्स शेयर करूँगी, कुलर्स शेयर करूँगी, जैकेट शेयर करूँगी। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिस लिंक पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉप है वो एक कॉम्बो है। तो इन कॉम्बोस में ना कई सारे कलर ऑप्शंस थे। मुझे लेवेंडर कलर का चाहिए था, लेकिन वो कलर उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो अगर आपको लेवेंडर कलर में मिलता है तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉप्स का कॉम्बो सेट था उसका रेटिंग्स बहुत अच्छे थे, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो मैंने लिया है ये ब्राइट रेड कलर का एक टी शर्ट और उसके साथ एक येल्लो कलर का, ब्राइट मस्टर्ड येल्लो कलर का ये वाला टी शर्ट। तो ये दोनों टी शर्ट एक कॉम्बो ऑफर में था, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था। 379 रुपीज़ में ये दो मुझे मिला और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत कंफर्टेबल सॉफ्ट क्वालिटी है, बट बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम इसे पहनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। सो उसी वजह से ही मैंने मेनली इन्हें परचेज किया है। एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड सिम्बॉल एसेंशियल्स। ये साइज़ है स्मॉल साइज़, मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया है। एंड ये आप डिफरेंट कलर्स में भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो येल्लो कलर का है, मुझे लगा था ये मस्टर्ड येल्लो वाला शायद सी थ्रू होगा, बट ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। सॉलिड कलर्स है, तो आप किसी भी बॉटम वेयर के साथ इन्हें पेयर कर सकते हैं और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो मैंने ऑलरेडी ये जो रेड कलर है इसको मैंने वॉश किया है आज ही, तो आप देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद भी इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। और मटेरियल भी और भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फी मुझे फील हो रहा है। सो डेफिनेटली मेरे साइड से इन टी शर्ट्स को एक बिग थम्स अप, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। आजकल शीयर टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये वाला शीयर टॉप मैंने नेक्स्ट ट्राई किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट में है एंड इसका जो कलर है वो डार्क मरून कलर है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड स्लीव्स पे इस तरीके का एक इलास्टिक है और इसकी जो स्लीव्स है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। एंड इसका हाई नेक है, पूरा यहाँ तक नेक आएगा। तो आप इसके साथ गोल्डन जो आजकल ज्वेलरीज मिलते हैं, डेंटी ज्वेलरी पीसेस, उसको पेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। वेस्ट रीजन पर इस तरीके का एक सिलाई दी गई है और उसके बाद से रफल स्टार्ट हुआ है, जिससे वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो रही है, वेस्ट पोर्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ये एक क्यूट पीस है, तो आप इसे टाइट जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं, शॉर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं। इसमें जो मेरा साइज़ है वो है स्मॉल एंड द ब्रांड नेम इज़ स्टाइलेविले। और इनके ब्रांड के मैंने काफ़ी सारे टॉप्स एंड ट्यूनिक्स अमेज़न पे देखे हैं, बट हाँ ये बिल्कुल शीयर टॉप है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो आपको इसके अंदर कोई स्वेगेटी इनर कुछ पेयर करना है, ब्लैक कलर का या फिर मरून कलर का पेयर कर सकते हैं। आई थिंक ब्लैक विल गो रियली वेल विद दिस, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। नेवर्थलेस आजकल ये इस तरीके के टॉप्स बहुत ज़्यादा फैशन में, ट्रेंड में है, तो मैंने इन्हें इसे लिया है। एंड बहुत कम्फर्टेबल है इसका मटीरियल, जॉर्जेट मटीरियल है, येट इट्स so comfortable and soft. नेक्स्ट मैंने ये जैकेट लिया है मेरे फादर के लिए और इसका जो कलर है वो बेज कलर में है और बॉर्डर जो है लाइनिंग दी गई है ब्लैक कलर का, वेलवेटी लाइनिंग है इसमें। और इसका जो कपड़ा है वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि अंदर इस तरीके का एक लाइनिंग दी गई है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है एंड कम्फर्टेबल है। तो जब अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में जो हल्का हल्का सा विंटर सीजन आना स्टार्ट होता है, उस टाइम के लिए ये परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा ग्लॉसी मटेरियल नहीं है, बट इट लुक्स क्लासी। दोनों साइड में ही पॉकेट्स दी गई है, चेस्ट पर एक छोटा सा पॉकेट है। तो ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पीस है, जो आप किसी भी कुर्ते के साथ पेयर अप कर सकते हैं। एंड बेज कलर है, तो आप अपने पापा के लिए भी इस तरीके के वेस्ट जैकेट्स ले सकते हैं। इसमें
काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे इसमें ब्लू ऑप्शन था, फिर ब्लैक ऑप्शन था, तो मुझे लगा ब्लैक अगर डार्क ब्लैक जेट ब्लैक नहीं हुआ, थोड़ा सा फेडेड ब्लैक हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने बेज कलर में ऑर्डर किया है जो कि डार्क कलर्ड कुर्ता के साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। कोई भी अगर वेडिंग फंक्शन है तो उसमें या फिर घर के कोई पूजा फंक्शन में आप इसे डेफिनेटली पहन सकते हैं। सामने दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो उनके लिए आप इस तरीके के हल्का फुल्का बट गॉर्जियस पीस ट्राई कर सकते हैं अपने फादर के लिए, अपने भाई के लिए। बहुत खूबसूरत एक पीस है और इसमें जो साइज़ है वो है 44 साइज़ मैंने चूज़ किया है। थोड़ा सा मुझे लगा अगर इसे मैं ऑल्टर भी कर सकती हूँ तो भी अच्छा रहेगा, बट छोटा नहीं आना चाहिए, तो मैंने एक ओवर साइज़ ही ऑर्डर किया है, बट इट फिट्स वेल मेरे पापा के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कई सारे और कलर ऑप्शंस भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उस लिंक को ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट मैंने एक कुलोट ट्राई किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने प्लाजोज तो और बहुत सारे ट्राई किए हैं, बट अमेजन पे ये वाला कुलोट मेरे सजेशन में बार बार आ रहा था और आजकल कुलोट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सो आई थॉट लेट मी ट्राई दिस वन। एंड इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी डार्क ब्लू कलर है, जो एकदम रॉयल ब्लू भी नहीं है, बट द कलर इज सो प्रिटी। और ये मेरा एंकल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे ये वाली बात उतनी अच्छी नहीं लगी। मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं नीचे से कट करके फिर मैं सिलाई कर दूंगी, क्योंकि एंकल लेंथ कुलोट्स ही मुझे चाहिए और ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में है। इसकी जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, बिल्कुल सी थ्रू मटेरियल नहीं है और थोड़ा सा ग्लॉसी मटेरियल है। इसके दोनों साइड्स पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे, वो क्वाइट स्पेशियस, और वेस्ट रीजन पे यहाँ पर इस तरीके के रफल्स है, इलास्टिकेटेड वेस्ट है। ये है फ्रॉम द ब्रांड सिंबल, और इस ब्रांड के कई सारे कुलोट्स और स्टाइलिश बॉटम वेयर मिलते हैं अमेजन पे। इसमें मेरा साइज है S, क्योंकि ये वेस्ट रीजन पे, आपको हाई वेस्ट रीजन पे इसे पहनना है, तो जब भी आप इस तरीके के कोई कुलोट्स ट्राई कर रहे हैं तो आप नॉर्मल जो लो वेस्टेड जीन्स होते हैं उसका साइज आप नहीं ट्राई कर सकते, आपको इसे अपने अपर वेस्ट एरिया मतलब हाई वेस्ट जहाँ पर आप पहनते हैं वहाँ पर मेजर करके फिर साइज चार्ट देखकर मंगाना है। क्योंकि जैसे मैं पहनती हूँ नॉर्मल जीन्स जो लो वेस्टेड होता है उससे एक दो साइज छोटा मैंने ये वाला मंगाया है, एंड इट फिट्स मी परफेक्टली। ये थोड़ा सा लूज होता है बॉटम की तरफ, बट वेस्ट पे ये एकदम परफेक्टली फिट होता है, बट इसमें इलास्टिक है तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होगी, बट अपने साइज का मंगाने से कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शंस इसमें अवेलेबल थे, तो आप अपने हिसाब से इसे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल थी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके का अमेजन हॉल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आप कौन सा हॉल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, मैंने माई हॉल स्टोर का एक लिंक प्रोवाइड किया है। एक लिंक को क्लिक करने से आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट या फिर परचेज कर सकते हैं, सो बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो जाती है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर today's video। Stay blessed, stay happy, and bye।